अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने नोहर और भादरा तहसील में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान डोटासरा ने नोहर तहसील के रामा मैरिज पैलेस में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक के तबादलों के लिए सरकार जल्द ही गाइडलाइन बनाएगी। सरकार के पास अब तक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर के लिए करीब 85,000 आवेदन आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीट की परीक्षा 26 सितंबर को होगी। आठवीं कक्षा तक स्कूलों को खोलने के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही आठवीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। सेंटर की निकलती थी वो नौकरियां निकली है, तो बताओ आप बताओ आप तक जो गाइडलाइन बना रहे, क्योंकि 85,000 फार्म है और ये जो 13-14 जिले हैं इसमें वैकेंसी बहुत कम है, तो मैं समझता हूँ कि जो पीड़ित ज़्यादा है उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। कल महिला हो गए, कैंसर पीड़ित हो गए, असाध्य रोग हो गया, आपकी विधवा महिलाएं हो गई, जो डिफेंस में हमारे फौजी भाई हैं उनकी पत्नियां हो गई, ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जो हमने जो परिवेदनाओं के अंदर जो नई भर्ती में गाइडलाइन में दे रखी है उनमें, प्लस जिनको काफ़ी लंबे समय हो गया है उनको भी हम लोग इसको देख रहे हैं और ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे इनको गाइडलाइन के मुताबिक इधर ला सकें और जो नई भर्ती आ रही है उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकें जिससे वहाँ की पढ़ाई भी बाधित नहीं हो और यहाँ भी हम लोग उनको समायोजित कर सकें। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक?